सौरव कुमार आज क्रिकेट जगत में ये नाम काफी चर्चा में बना हुआ है। बता दें, घरेलू क्रिकेट में पिछले एक दशक से लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद इस खिलाड़ी को टीम इंडिया में जगह मिल चुकी है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम में ये जगह बना चुके हैं। 2 फरवरी से विशाखापट्टनम में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में शामिल होने के बाद सौरव ने कहा कि ये सपने के सच होने जैसा है। दरअसल 30 साल का ये स्पिनर 2022 में श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए राष्ट्रीय टीम में जगह बना चुका है, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी। सौरव को उम्मीद है कि इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। इस बात की हालांकि कोई गारंटी नहीं है कि इस उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को विशाखापट्टनम में कुलदीप यादव या वॉशिंगटन सुंदर से पहले डेब्यू करने का मौका मिले या ना। हालांकि उनके पास कम से कम रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन जैसे भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने का मौका जरूर होगा। इस पर सौरव कुमार ने कहा, भारतीय टीम का हिस्सा बनना हमेशा से एक सपना रहा है। मेरा मतलब कि कौन सा क्रिकेटर नहीं चाहेगा, इसके लिए बहुत सारी चीजों को एक साथ आने की जरूरत है, लेकिन मेरे पास थोड़ा अनुभव है। बता दें, सौरव जिस अनुभव का जिक्र कर रहे हैं वो 2021 में इंग्लैंड के भारत के पिछले दौरे के बारे में था, जब वो भारतीय टीम में एज ए नेट बॉलर थे। उन्होंने कहा, आपको विराट कोहली या रोहित शर्मा को गेंदबाजी करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता है। वह नेशनल कमिटमेंट्स के कारण रणजी ट्रॉफी या अन्य घरेलू मैच में शायद ही खेलते हैं। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए एक मौका था, इससे उन पर करीब से नजर डालने और अध्ययन करने का मौका मिलता है। कुछ टॉप लेवल के खिलाड़ियों को गेंदबाजी करना और उनके साथ बातचीत करना एक शानदार अनुभव था, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंडियन क्रिकेट सिस्टम में आमतौर पर 30 की उम्र के पास पहुंचने पर खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम के लिए डेब्यू का सपना छोड़ देते हैं, लेकिन दिवंगत बिशन सिंह बेदी को आदर्श मानने वाले सौरव कभी हार नहीं मानना चाहते हैं। उन्होंने कहा, बिशन सर मुझसे हमेशा कहते थे कि कड़ी मेहनत करते रहो और जब भी मौका मिले अपना बेस्ट देने की मानसिक रूप से तैयार रहो। उन्होंने कहा, मैं वास्तव में कभी भी खुद को नेट या गेंदबाजी से दूर नहीं रखता था। बता दें, सौरव अपने हुनर को निखारने के लिए दिल्ली में बेदी के समर कैंप्स में भी नियमित तौर पर भाग लेते थे। वहीं भारत के पूर्व बाएं हाथ के गेंदबाज और उत्तर प्रदेश के मौजूदा कोच सुनील जोशी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि सौरव एक शानदार क्रिकेटर है, खेल और परिस्थितियों को अच्छे से समझते हैं। वह जानते हैं कि अपनी लाइन और लेंथ को कैसे एडजस्ट करना है। उन्हें इन परिस्थितियों में और घरेलू क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा और मयंक अग्रवाल जैसे कुछ अच्छे खिलाड़ियों के खिलाफ गेंदबाजी करने का काफी अनुभव है। साथ ही जोशी ने कहा, सौरव ने अब अपनी बल्लेबाजी में भी सुधार किया है, वो निचले क्रम में बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं। अब सौरव के रिकॉर्ड की बात करें तो 30 साल के बाएं हाथ के स्पिनर सौरव कुमार पहले भी भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन अब तक अंतरराष्ट्रीय डेब्यू नहीं कर सके हैं। 68 फर्स्ट क्लास मुकाबले में 290 विकेट ले चुके हैं, 64 रन देकर 8 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी रहा है। इसके अलावा वो 27.11 की औसत से 2061 रन भी बना चुके हैं, 133 रन उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। वो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 2 शतक और 12 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। सौरव के निजी जीवन पर नजर डालें तो एक किस्सा बेहद दिलचस्प है। जब सौरव 10 साल के थे तब उन्होंने दिल्ली में अपने क्रिकेट के सपनों को पूरा करने के लिए बागपत के बड़ौद स्थित अपने घर को छोड़ दिया था। उन्हें ट्रेनिंग के लिए 60 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय करनी पड़ती थी। शुरू में उनके पिता रमेश चंद उन्हें छोड़ देते थे, बाद में सौरव खुद ही आने जाने लगे। सौरव के पिता ऑल इंडिया रेडियो के आकाशवाणी भवन में एक जूनियर इंजीनियर थे। सौरव को सप्ताह में 3 से 4 दिन अभ्यास के लिए बड़ौद से दिल्ली की यात्रा करने में परेशानी होती थी। जब टूर्नामेंट होते थे तो ये यात्रा उसी के अनुसार बढ़ भी जाती थी। धीरे धीरे सौरव ने यूपी की एज ग्रुप टीमों में जगह बनाना शुरू किया। बता दें, अंडर 13 और अंडर 15 टीमों के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए उन्होंने 15 साल की उम्र में ONGC में एक क्रिकेट स्कॉलरशिप भी हासिल कर ली थी। उन्हें बिशन सिंह बेदी से सीखने का मौका मिला। वहीं एक किस्सा यह भी है कि अंडर 16 और अंडर 17 के बाद सौरव अंडर 19 टीम में भी शामिल हो गए, लेकिन सीनियर टीम का रास्ता थोड़ा कठिन था। उस समय यूपी की टीम में पीयूष चावला, अली मुर्तजा, प्रवीण गुप्ता और अविनाश यादव जैसे दिग्गज स्पिन गेंदबाज थे। कुलदीप यादव और सौरव कश्यप भी इस लाइन में थे। इस बीच भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया। यूपी के लिए खेलने के लिए तत्काल कोई संभावना नहीं होने के कारण इस 20 वर्षीय सौरव ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्हें एयरमैन की नौकरी भी मिल गई, पर अब जब उन्हें वापस इंडिया टीम में शामिल किया गया है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अभी भी उनकी बॉलिंग में वही धार बाकी है जो इंग्लैंड को घुटने पर ला सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों को देखने के लिए क्रिकेट एडिटर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।